मास्टरिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है। एंड दोस्तों यहां पे हर एक सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं 25 मिनट बोलूंगा वही चीज के बारे में बोलूंगा कि हर एक आदमी दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग तो स्टार्ट कर लेता है, एवरीबॉडी स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग, हर एक आदमी नेटवर्क मार्केटिंग को तो स्टार्ट कर लेता है। कुछ कुछ 2-3-4-5 आदमी को स्पॉन्सरिंग करके वो नेटवर्क मार्केटिंग तो स्टार्ट कर लेता है, लेकिन आज जो टॉप 1% अर्नर है सारे पृथ्वी में, उनका सक्सेस का दोस्तों राज क्या है? दे कंटिन्यूअसली डू पर्सनल स्पॉन्सरिंग मंथ आफ्टर मंथ एंड ईयर आफ्टर ईयर। हर एक महीना वो स्पॉन्सरिंग करते हैं, हर एक साल वो स्पॉन्सरिंग करते हैं। एंड नेटवर्क मार्केटिंग जो बंदा करता है उसके पास क्या क्या चैलेंज आता है कि मेरा इनकम कैसे मल्टीप्लाइड होगा, मेरा टीम में कैसे रिटेंशन बढ़ेगा, मेरा टीम में कैसे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगा, मेरा टीम में कैसे मोमेंटम बढ़ेगा, मेरा टीम में लोग कैसे मोटिवेटेड होकर रहेंगे, ये सारे जो क्वेश्चंस, ये जो सारे जो चैलेंजेस है ना, ये सारे चैलेंजेस का एक ही उत्तर है। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन नेटवर्क मार्केटिंग, सिंपली स्पॉन्सर समबडी न्यू। एंड दोस्तों यहां पे द सीक्रेट एंड सीक्रेट ऑफ हैप्पीएस्ट एंड रिचेस्ट पीपुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो रिचेस्ट आज हम सबकी अपलाइन गुरुमा डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैडम, आज इंडिया में नहीं सिर्फ एशिया कंटिनेंट में आज माम ने रिचेस्ट नेटवर्कर हैं, हैप्पीएस्ट नेटवर्कर हैं। उनकी एक ही वजह है कि माम ने कभी पर्सनल स्पॉन्सरिंग को कभी नहीं छोड़े हैं। एक बार भुवनेश्वर में माम की एक सेमिनार होने का था और माम कुछ मेडिकल चीजों में वो व्यस्त थे, तो माम ने बोले कि कुछ दिन वो काम नहीं किए थे, तो माम ने सेमिनार में आके बोले कि मैंने एक आदमी को स्पॉन्सरिंग किया, उसके बाद मेरा अंदर में एनर्जी आया, फिर वहां पे मैं फिर सेमिनार करने के लिए आया। वही होता है एग्जांपल कि आप अगर स्टे मोटिवेटेड हमेशा रहना चाहते हो, आपका टीम में अगर मोमेंटम रहना चाहते हो, पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में अगर टॉप 1% पे रहना चाहते हो तो आपको कंटिन्यू पर्सनल स्पॉन्सरिंग फॉर एवर जिंदगी भर तक आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना है। एंड दोस्तों वो अभी मैं एक एक पॉइंट करके बताता हूं। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज हाईली प्लान है, किसी भी प्लान में देखो सारे पृथ्वी में नेटवर्क मार्केटिंग चलता है, डिफरेंट प्लान होता है, हर एक प्लान में पर्सनल स्पॉन्सरिंग जो करता है उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। जैसे अभी आप एग्जांपल के तौर पे देखो, आज मोदी केयर में इसी मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, 2 स्पॉन्सरिंग करो, खुद पर्सनल 1350 बीवी करो और आपका नीचे 2 स्पॉन्सरिंग करो, वो भी 1350 बीवी करेंगे, यू विल गेट अप टू 1000 रुपीज, वो अप टू डायरेक्टर लेवल तक आपको मिलेगा, मतलब इट इज हाईली प्रॉफिटेबल। अगर कोई पूछेगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हो, मैं उनको बताऊंगा कि नंबर 1 रीजन मनी नंबर 2 रीजन मनी नंबर 3 रीजन मनी नंबर 4 रीजन मनी नंबर 5 रीजन मनी, एंड आपके सारे ड्रीम को पूरा करने के लिए, आपको ज्यादा इनकम करने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज हाईली प्रॉफिटेबल। दोस्तों अभी आप देखो 2 नंबर पॉइंट है कि सेट द राइट वर्क कल्चर इन योर टीम। एक राइट वर्क कल्चर क्या होता है, एक बिहेवियर क्या होता है,
अगर आप राइट डुप्लीकेशन टीम में चाहते हो, स्टार्ट डूइंग पर्सनल स्पॉन्सरिंग। यहां पे नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, योर टीम विल नॉट डू दोज वर्क्स व्हिच यू विल से। हम सब बोलते हैं कि स्पॉन्सरिंग करो, नहीं होता है, लोगों का स्पॉन्सरिंग नहीं होता है। रीजन एकमात्र है, जो हम लोगों को बोलता हूं करने के लिए, वही चीज मुझे फास्ट करना है। जो मंगल और सत्य, जो आपको पता है कि इसमें मंगल होगा, इसमें सत्य है, पहले उसको करके दिखाओ खुद अपने आप। उसके बाद देखोगे कि हजार हजार लोग आपको अनुसरण करेंगे। ये होता है राइट कल्चर इन योर टीम। एक राइट डुप्लीकेशन आपका टीम में, राइट डुप्लीकेशन करने के लिए ये होता है कि पहले आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपको करना है। आप पता नहीं, आप कहीं किसी का लेवल पे भी हो, कोई टाइटल पे भी हो, ये यूनिवर्सली आपको करना है कि 7% भी हो सकते हो, जीबीडी भी हो सकते हो, सबको हमको पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना है। एंड दोस्तों, एक होता है स्टेबिलिटी। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग एक एक्सपीरियंस मैंने किया है, जब जब मेरा इनकम थोड़ा सा कम होता है तो मैंने जज के इनकम क्यों कम आया कि इसका रीजन मैंने फाइंड आउट किया कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपका बिजनेस में अगर स्टेबिलिटी आएगा, स्टेबिलिटी आप चाहते हो, हमेशा इनकम को बढ़ाने के लिए चाहते हो, मतलब लास्ट मंथ से नेक्स्ट मंथ और इनकम बढ़ेगा, अगर ऐसा आप चाहते हो, मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा कि जिस मंथ में टीम में स्पॉन्सरिंग ज्यादा नहीं होता है, उसी मंथ में क्या होता है, बिजनेस कम होता है। और ये पर्सनल स्पॉन्सरिंग शुरू होता है खुद से, मुझसे शुरू होता है। पर्सनल स्पॉन्सरिंग एंश्योर करता है बिजनेस का स्टेबिलिटी। तो हर कोई बिजनेस में, बिजनेस ऊंचाई तक जाएगा, नीचे तक जाएगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर ये चीज को हम अडॉप्ट कर लेंगे, एक राइट कल्चर मेरा टीम में मैं डेवलप करवा दूंगा, तो बिजनेस के अंदर ये स्टेबिलिटी आके ही रहेगा। कैसे ना, मैं पर्सनल स्पॉन्सरिंग करूंगा, मेरे नीचे मेरा डाउनलाइन ए है, वो भी पर्सनल स्पॉन्सरिंग करेगा, ए के नीचे बी, वो भी पर्सनल स्पॉन्सरिंग करेगा, बी के नीचे सी, बढ़ते जाएगा, डेप्थ में बढ़ते जाएगा, डेप्थ में बिजनेस बढ़ते जाएगा। और मेरा, मैं भी पर्सनल स्पॉन्सरिंग करता हूँ, मेरा 10th जनरेशन नीचे, वो भी पर्सनल स्पॉन्सरिंग करता है। तो इसीलिए ये पर्सनल स्पॉन्सरिंग दोस्तों आपको देगा बिजनेस का स्टेबिलिटी। इंडिया का 130 करोड़ पॉपुलेशन है और इंडिया का ओनली 0.8% लोग अभी ज्वाइनिंग किए हैं, मतलब 1% भी अभी तक नहीं हुआ है। सुरेखा माम ने बताते हैं, दो IMD, सुरेखा मार्गम बताते हैं, लोगों को बताते हैं, टीम को बताते हैं, दो IMD नंबर वन अनर इन मोदी केयर, बट दी हाईएस्ट अनर इन मोदी केयर माइट हैव नॉट बीन स्पॉन्सर्ड येट, फाइंड हिम और हर। वो जेंट्स है कि लेडी है पता नहीं, लेकिन उनको ढूंढो। सुरेखा माम खुद बताते हैं, दो IMD नंबर वन अनर इन मोदी केयर, लेकिन जो नंबर वन अनर एक्चुअली है वो अभी तक वो ज्वाइनिंग नहीं किया है, फाइंड हिम और हर। ये गुरु माँ की डायलॉग है। सो दोस्तों, ये स्पॉन्सरिंग आपको देगा क्या? अगर ये स्पॉन्सरिंग का राइट कल्चर टीम में बढ़ते चले जाएगा, ये स्पॉन्सरिंग हमको स्टेबिलिटी देगा। एंड ये डेप्थ कैसे क्रिएट होगा ना, थ्रू पर्सनल स्पॉन्सरिंग ऑफ एवरी टीममेट। हर एक टीममेट जब पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली डेप्थ बढ़ते चले जाएगा। एंड दोस्तों, यहाँ पे एक बर्फ का गोला है, आप बर्फ का गोला देखो, मोमेंटम क्या चीज है कि मोमेंटम होता है नेटवर्क मार्केटिंग का बेस्ट फ्रेंड। जाम पैक मीटिंग, मतलब होम मीटिंग होता है जाम पैक,
बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होता है जैम पैक, ट्रेनिंग सेंटर में मीटिंग होता है जैम पैक, इसको बोलते हैं मोमेंटम आ गया। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का मोमेंटम होता है बेस्ट फ्रेंड। हर एक लीडर का सपना होता है मेरा टीम में कैसे मोमेंटम आए। मोमेंटम कैसे आएगा, जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग स्टार्ट करेंगे एंड आपको देख के जब आपका टीम में लोगों ने स्पॉन्सरिंग पर्सनल स्पॉन्सरिंग करेंगे तो धीरे 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 क्या हो आ जाएगा कि आपका टीम में मोमेंटम बढ़ जाएगा। बर्फ का गोला देखो, स्नोबॉल इफेक्ट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। पहले जो बर्फ का गोला था ये छोटा था, फिर जब नीचे आया साइड में कुछ बर्फ को संग्रह करके वो फिर बड़ा हो गया, और नीचे आया और थोड़ा सा बड़ा हो गया, और नीचे आया और थोड़ा सा बड़ा हो गया, जब नीचे पूरा आया और विराट सा हो गया। पहले आप अकेला थे, फिर धीरे 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 5-10 आदमी आपके साथ जुड़े, फिर धीरे 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 आपका एक विशाल टीम आपके अंदर में आ गया, जिसके पास इतना बड़ा टीम उनके पास उतना बड़ा ड्रीम पूरा होगा। एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता कोई है ही नहीं। एंड दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो मोमेंटम लाने के लिए पहले मोमेंटम खुद से शुरू करना है। प्रमोद सर एक चीज बताते हैं हम सबको, अगर दुनिया में 2 लाख स्पॉन्सरिंग होता है तो मतलब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। दुनिया में अगर लोगों ने 10 लाख रुपया इनकम कर सकते हैं, मतलब आप 10 लाख रुपया इनकम कर सकते हैं। अगर प्रमोद सर ने बोला, अगर सुरेखा भार माम ने अगर 1 करोड़ रुपया से ज्यादा इनकम कर रहे हैं, मतलब आप सब भी 1 करोड़ से ज्यादा इनकम कर सकते हैं। सो ये चीज को आपको विश्वास करना है। जब आपका अंदर में एक थॉट आएगा या मैं नहीं कर सकता हूं, तो ये अनक्वेश्चन्ड थॉट को आप क्वेश्चन पूछो। ओ माइंड, तुम बोलो कि अगर दुनिया में 2 लाख रुपए 2 लाख लोग स्पॉन्सरिंग हर एक महीना होते हैं, ओ माइंड तुम बोलो कि मेरा क्यों नहीं होगा। जो माइंड आपको बोलता है नहीं हो सकता, वही माइंड को आप क्वेश्चन पूछो क्यों नहीं होगा। और माइंड फिर बताएगा, अरे यार तू लिस्ट बनाए इनवाइट नहीं करते हो, प्लान नहीं देखा तो फॉलोअप नहीं करते, तेरे लिए तेरे साथ कैसे ज्वाइनिंग होगा। फिर वही माइंड को बोलो, ओ माइंड अगर मैं ये चीज कर दूंगा, लिस्ट बिल्डिंग करवा दूंगा, इनविटेशन करवा दूंगा, प्लान दिखा दूंगा, फॉलोअप कर दूंगा, मेरा ज्वाइनिंग होगा कि नहीं होगा, यस होगा। सो मतलब आपका अंदर में जो अनक्वेश्चन्ड थॉट आएगा उसको पाले पोस के नहीं रखना, उसको इमीडिएटली आंसर देना है। एंड दोस्तों, आपका अंदर में जब ये पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते हो, आपका 10 जनरेशन के नीचे, 20 जनरेशन के नीचे, 30 जनरेशन के नीचे आपको कॉपी करना लोग शुरू कर देंगे। मेरा ऑफलाइन करते हैं, मैं भी करूंगा। एंड जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते हो, टीम में वही डुप्लीकेशन हो जाएगा, जैसे ये कॉपीकेट मार्केटिंग होता है, आपका 10, 15, 20, 30 जनरेशन के नीचे वही चीज आपका हो जाएगा। जो मंगल और सत्य वही चीज को पहले खुद करके दिखाना है। एंड दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, ये नंबर 6 पॉइंट, अपडेटेड विद फील्ड रियलिटीज। कोई आदमी हो सकता है 5 साल पहले ज्वाइनिंग किए, 5 साल पहले ज्वाइनिंग करके 3-4 आदमी को ज्वाइनिंग किया था, वही 3-4 आदमी के साथ वही लगे रहते हैं, और अभी नया लोगों को प्लान दिखाने के लिए उनको अंदर में फियर आ जाता है। तो जब वो स्पॉन्सरिंग करेगा, जब वो प्लान दिखाएगा, जब उनका अंदर में फील्ड में कैसे हो, क्या क्या होता है, किसी टाइप का रिजेक्शन आता है, उनको पता चल जाएगा। मतलब फील्ड में क्या हो रहा है उनको पता चल जाएगा, ग्राउंड का रियलिटी उनको पता चल जाएगा, ग्राउंड में एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या। एक और वो जो फील्ड रियलिटी, एक बंदा को मैंने ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग करने के बाद उनके साथ एनसीओ किया, वो क्या क्या एक्चुअली फील्ड में आज का डेट में फेस कर रहे हैं, ये सारे चीज एक पिक्चर के तरफ मेरा अंदर में आ जाएगा।
अगर मैं स्पॉन्सरिंग पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं करूंगा दोस्तों, मैं जिंदगी भर एक ट्रेनर बन के रह जाऊंगा। ट्रेनर क्या करता है, नॉर्मली वो बुक्स में पढ़ता है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाषण देता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटियर क्या करता है, ना टीचर्स फ्रॉम रियल लाइफ, रियल लाइफ में वो टीच करता है, फील्ड एक्सपीरियंस से वो टीच करता है, फील्ड में जो एक्सपीरियंस होता है वही चीजों से, इसीलिए वो नेटवर्क मार्केटियर आपको हमेशा बनना चाहिए। आपको कभी मैनेजर नहीं बनना चाहिए, आपको हमेशा एक नेटवर्कर बनना चाहिए। और नेटवर्कर क्या करता है, हमेशा रियल लाइफ में एक्चुअली क्या होता है, रियल लाइफ में अगर कोई हमारा डाउनलाइन आके बोलता है अरे यार स्पॉन्सरिंग नहीं होता है, आजकल मेरा बात कोई नहीं सुनते, अगर आप पर्सनली स्पॉन्सरिंग करते हो तो आप उनको समाधान दे सकते हो, सोल्यूशन दे सकते हो। अगर आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं करते हो दोस्तों, आप उसके बातों में आप सहमत हो जाएंगे। इसीलिए फील्ड रियलिटीज, अपडेट फील्ड रियलिटीज के लिए आपको पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपको करना है। एंड जब एक नया बंदा आपके साथ आ जाएगा, नया होप पैदा होगा, नया एक्साइटमेंट पैदा होगा, नया एनर्जी पैदा होगा, क्योंकि ये नया लोगों के पास बहुत लंबा मेमोरी जगह का लिस्ट होता है, इस नया लोगों के पास बहुत लंबा ड्रीम होता है, बहुत बड़ा ड्रीम होता है, नंबर ऑफ ड्रीम्स होता है, और ये बहुत सारे ऑप्टिमिस्टिक होता है, आशावादी होते हैं ये नया बंदा। और आपका अंदर में जब आप हमेशा नया बंदा के साथ काम करोगे ना, आपका अंदर में भी एनर्जी एक्साइटमेंट हमेशा बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। नहीं तो क्या होगा, वही तीन चार पुराने लोगों के साथ अगर हम काम करते रहेंगे तो वही हमारे अंदर में वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट हमारे अंदर में नहीं आएगा दोस्तों, राइट। एंड दोस्तों वर्क विथ डिग्निटी, वर्क विथ डिग्निटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई मीटिंग होता है ऑफलाइन बोलता है तुम टीम को, बहुत सारे टीम को लेकर आना है, नया लोगों को लेकर आना है, ऑफलाइन बोल देता है, लेकिन ऑफलाइन दो साल हो गया, ऑफलाइन वही खुद अकेला ही आता है, उनके साथ कोई नया बंदा को लेकर नहीं आता है, तो दोस्तों ऑफलाइन टीम देखते हैं, ऑफलाइन को देखो वो उनके पास कोई लोग नहीं आते हैं, वो रेस्पेक्ट जो ऑफलाइन के प्रति जो रेस्पेक्ट है वो रेस्पेक्ट धीरे 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 वो कम हो जाता है। और टीम के मन में वो बोलेंगे तो नहीं, वो बोलेंगे कि यार मेरा ऑफलाइन हमेशा बोलता है लेकिन वो कुछ करता नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग करोगे, जो मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी, आपका बिजनेस में हमेशा स्टेबिलिटी आके ही रहेगा ही रहेगा। द मोर यू ऐड, द मोर यू लूज, द मोर यू रिटेन। नेटवर्क मार्केटिंग का धर्म होता है 10 लोगों को ज्वाइनिंग किए और उनमें से अगर 3-4 लीडर आप पाओ जाएंगे, बहुत बढ़िया है। हमेशा ज्वाइनिंग करते रहो, करते रहो, करते रहो। और ये बिजनेस को जब बिल्ड अप करोगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है हेड हेल्ड हाई, जब आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते हो, छाती को चौड़ा करके आप जिएंगे, सिर ऊंचा करके आप जिएंगे, और आपका टीम आपको रेस्पेक्ट करना और बढ़ा देगा, क्योंकि मेरा डाउनलाइन, मेरा ऑफलाइन सिर्फ बोलते नहीं, वो भी करते हैं। सो इसीलिए पर्सनल स्पॉन्सरिंग एनाबल्स, आपको एनाबल करता है कि बिजनेस करना है डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ, नहीं तो वही पुराने 3-4 लोगों के साथ हम डिपेंडेंट रह जाएंगे। हमारा नाम है इंडिपेंडेंट मोदी केयर कंसल्टेंट, नॉट डिपेंडेंट मोदी केयर कंसल्टेंट। अगर डिग्निटी के साथ रहना चाहते हैं, डिग्निटी के साथ रहना चाहेंगे, तो हमको क्या करना है, हमको पर्सनल स्पॉन्सरिंग हमेशा करना है। एंड दोस्तों हैबिट्स मैक्सिमम एंड परफेक्ट, जब नया लोगों के साथ जब मैं मिलूंगा, नया लोगों को जब मैं इनवाइट करूंगा, नया लोगों को जब मैं प्लान दिखाऊंगा, जब एक नया लोगों को मैं फॉलोअप करूंगा, तो दोस्तों क्या होगा, मेरा अंदर में जो भय है था, मेरा अंदर में जो मेंटल इमोशनल ब्लॉकेजेस था, अरे मेरे द्वारा पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं हो पाएगा, ये ब्लॉकेजेस आप मुक्त हो जाएंगे।
ये मेंटल इमोशनल ब्लॉकेजेस ये रिमूव हो जाएगा आपके अंदर में, और आपका ये जो हैबिट डिस्ट्रॉय द फियर ऑफ मीटिंग न्यू पीपल, ये जो हैबिट है ना, ये हैबिट आपको क्या करेगा दोस्तों, ये हैबिट आपको नया नया लोगों के साथ बार बार और बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिलने से क्या करेगा आपको, ये हेल्प एंड सपोर्ट करेगा। पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज ए हैबिट। जब गुरुमा सुरेखा भार्गव जी भुवनेश्वर आए थे, वो सेंटेंस बता रहे थे कि पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज जस्ट लाइक योर डाइट। सुबह जो नाश्ता करते हो नाश्ता को नहीं भूलते हो, दोपहर को लंच करते हो लंच को नहीं भूलते हो, रात को डिनर करते हो डिनर को नहीं भूलते हो, और इसी प्रकार का पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपका डाइट जैसा, ये एक हैबिट जैसा। एंड दिस हैबिट, ये हैबिट बहुत दिनों से हमारे अंदर में जो है फियर ऑफ मीटिंग न्यू पीपल, ये हैबिट को धीरे 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 डिस्ट्रॉय कर देगा। हमारे अंदर में ऑल मेंटल एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस जो है उसको रिमूव कर देगा। एंड इसीलिए दोस्तों मैं आपके साथ शेयरिंग करना चाहता हूँ, ये पर्सनल स्पॉन्सरिंग नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे सबसे बेस्ट आपका टीम में स्टेबिलिटी के लिए, आपका टीम आपका डिग्निटी के लिए, आपका टीम में एनर्जी एंड एक्साइटमेंट के लिए, फील्ड में क्या एक्चुअली रियलिटीज है उसको पता करने के लिए, डेथ में ज्यादा लीडर बनाने के लिए, आपका टीम में मोमेंटम लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, और टीम में राइट कल्चर के लिए पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज हाईली प्रॉफिटेबल। पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपको करना है। एंड दोस्तों अगर आप उड़ नहीं सकते हो, अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो आप दौड़ो, अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते हो तो सरकते रहो, स्टार्ट करो। पहले आपके लिए जो करणीय है उसको करो, उसके बाद आपको आपके लिए जो संभव है उसका आप करते रहो। आप देखोगे कुछ दिनों के बाद जो आपके लिए असंभव लग रहा है, जो आपके लिए असंभव सी लग रहा है उसको भी आप कर पाए हो। सो दोस्तों यही था आज मेरा टॉपिक। एंड दोस्तों ये चीज को अपना लीजिए जिंदगी में।